हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द मिस्ट्री ऑफ मैजिकल नंबर 7। यानी नंबर 7 है, इसको आखिर इतना मैजिकल क्यों माना जाता है, इतना लकी क्यों माना जाता है? ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो मैजिकल नंबर 7 को बहुत ही लकी जाहिर करते हैं, और मैजिकल नंबर 7 हमारी मेमोरी पे क्या इफेक्ट करता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सभी फैक्ट्स को जानेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी राह चलते इंसान को रोकें और उसे 1 से 10 के दरमियान कोई नंबर सिलेक्ट करने को कहें तो मोस्टली लोग नंबर 7 को ही सिलेक्ट करेंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा जो वीक है वो नंबर 7 यानी 7 डेज पे ही क्यों होता है? क्या उसमें 8 या 9 नंबर नहीं हो सकते? 7 नंबर को इतना ज़्यादा लकी क्यों माना जाता है? क्या आपको पता है जो रेनबो है, जब बारिश होती है और बारिश में जो एक रेनबो दिखाई देती है, रेनबो में 7 कलर ही क्यों होते हैं? यहाँ तक कि जो डिफरेंट रिलीजन है वो भी नंबर 7 को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। आपने बाइबल का नाम तो सुना ही होगा, जो कि मोस्टली क्रिश्चियनिटी की बेस है। बाइबल के मानने वाले कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक जो खुदा है यानी जो गॉड है, उसने इस यूनिवर्स को, इस अर्थ को तकरीबन 6 दिनों में बनाया और 7 डेज यानी 7वें दिन जाके उसने उसको कंप्लीट करके एक मुकम्मल रेस्ट किया। इसी तरह इस्लाम और जूडिज़्म है, इस्लाम और जूडिज़्म के मुताबिक जो खुदा यानी गॉड है वो 7वें आसमान पर है यानी नंबर 7। इसी तरह अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, हिंदुइज्म के मुताबिक यानी हिंदुइज्म के मानने वालों के मुताबिक ह्यूमन की जो लाइफ है, इसी लाइफ में ह्यूमंस की जो बॉडी है यानी उसके बॉडी से लेकर उसके माइंड तक के 7 ओराज यानी 7 चक्रास में बटी हुई है। अगर कोई भी इंसान इन 7 चक्रास को एक्टिव कर ले तो वो खुदा से मिल सकता है। अगर वो इंसान उस चीज़ को एक्टिव कर ले तो वो सुपर नेचुरल पावर का भी मालिक बन सकता है। बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं ए मिलर, इन्होंने मैजिकल नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था जिसके मुताबिक 7 ± 2 ह्यूमन जो माइंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 और कम से कम 5 नंबर को 1 सेकंड में याद कर सकता है। तो दोस्तों, क्या ये सारी चीज़ें मिलकर नंबर 7 को लकी नहीं बनाती? आपने अक्सर ये भी चीज़ देखी होगी, हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं यानी जो बड़े आज़म हैं वो भी नंबर 7 पे ही मुश्तमिल है। इसीलिए इस नंबर 7 को इतना लकी माना जाता है, क्योंकि आपने एक बात सुनी होगी कि बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक वाइब्स जनरेट करती हैं, तो इसीलिए नंबर 7 को बहुत ही ज़्यादा लकी माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।